आइए चैप्टर 8 में एग्जांपल 7 सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल PQR में जिसमें एंगल Q राइट एंगल है, PQ की लेंथ 3 सेंटीमीटर और PR की लेंथ 6 सेंटीमीटर दी हुई है। हमें एंगल QPR और एंगल PRQ फाइंड करना है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में PQ की लेंथ दी हुई है 3 सेंटीमीटर और PR की 6 सेंटीमीटर। साइन R इज इक्वल टू, साइन का रेशियो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है, यानी कि P अपॉन H इज इक्वल टू एंगल R के लिए PQ परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि एंगल R के सामने की साइड PQ है और जिस एंगल के लिए हम रेशियो निकालते हैं उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है। PQ अपॉन PR, साइन R इज इक्वल टू PQ की लेंथ 3 सेंटीमीटर दी हुई है और PR 6, साइन R इज इक्वल टू 1/2, दैट इज साइन R इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है, तो साइन R इज इक्वल टू साइन 30, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, दैट इज R इज 30 डिग्री, दैट इज एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्वेश्चन में हमें जिन दो एंगल को फाइंड करना है, एंगल QPR और एंगल PRQ, तो हमने एंगल PRQ फाइंड कर लिया है, अब हमें एंगल QPR फाइंड करना है। वी नो दैट द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज 180 डिग्री, हेंस एंगल QPR प्लस एंगल PRQ प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल QPR की तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो एंगल QPR प्लस एंगल PRQ की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 30 डिग्री, प्लस 30 डिग्री, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल Q 90 डिग्री है, तो एंगल QPR प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल Q जो कि 90 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल QPR प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दैट इज एंगल QPR इज इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर एंगल QPR इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल PRQ इज इक्वल टू 30 डिग्री।